भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पेंड्रा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आम जन से भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील की। नड्डा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए तो वहीं भाजपा के घोषणा पत्र की खासियत भी बताई। नड्डा ने बिलासपुर से सांसद रहे दिवंगत सांसद दिलीप सिंह दुबे को भी याद किया। उन्होंने नारायणपुर में मारे गए बीजेपी नेता रतन दुबे को भी श्रद्धांजलि दी। अपने साथी रहे जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी को भी याद करता हूं। मालूम है ना, मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिया था और बगैर मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया था। कितने मकान थे मालूम है आपको? 12 लाख मकान रोक दिए थे। और अब हम इसका फैसला करते हैं कि पहली कैबिनेट में 18 लाख मकान का पूरी मंजूरी दी जाएगी और 18 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। नौकरी दी जाएगी और जो भूपेश बघेल ने घोटाला किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको जेल के पीछे डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। उसी तरीके से हमारे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जो बच्चियां हैं उनको 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनके जीवन में 1.5 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा।